फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका मोबाइल फोन भी बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है तो इस प्रॉब्लम से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज की डेट में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जब भी आप अपना न्यू फोन किसी भी शॉप से परचेज करते हो, चाहे आप कितना भी हैवी फोन परचेज कर लें, 12, 13, 20, 25, 30 हजार का फोन आप परचेज कर लेंगे, 2 या 3 महीने के बाद आपका फोन 100% हैंग होता है, 100% आपका फोन लैग मारता है, कभी आपकी स्क्रीन नहीं चलती है, कभी आपका टच काम नहीं करता है, कभी कोई एप्लीकेशन को आप ओपन करने जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होती। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आप कितना भी हैवी फोन यूज कर लो, आपका मोबाइल फोन 100% आज की डेट में हैंग होता है, क्योंकि हैंगिंग की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत आम सी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, यानी कि कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, जिन सेटिंग्स को करने के बाद आपका मोबाइल फोन जो है गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में कभी आपका मोबाइल फोन हैंग होने वाला नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपने भी ठीक यही सेटिंग्स, टोटल 2 सेटिंग्स करनी और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, अगर आपने भी सेम यही सेटिंग्स, यही बातें आपने मोबाइल फोन में इंप्लीमेंट की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका मोबाइल फोन जिंदगी में कभी हैंग नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2 सेटिंग्स बताऊंगा, उन सेटिंग्स के बाद आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने उन बातों का ध्यान रखा तो आपको अपने मोबाइल फोन में फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा, तो जैसे कि आप मेरे इस साइड देख रहे होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां आपको नीचे बॉटम में एक ऑप्शन आ रहा होगा अबाउट फोन का, तो आपको अबाउट फोन के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में अबाउट फोन के ऑप्शन को ओपन कर देंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां आपको नीचे बॉटम में जाना है, आपको बॉटम में दिख रहा होगा बिल्ट नंबर, तो आपको बिल्ट नंबर के आइकन पर 7 बार टैप करना है। कितनी बार? 7 बार। मैं कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों, ये मैंने 7 बार कर दिया टैप। टैप करने को जो भी आपका पैटर्न होगा, आपको यहाँ पर पैटर्न लगा देना, मैं यहाँ पर अपना पैटर्न लगा दूंगा, तो आपको भी अपने मोबाइल फोन का पैटर्न लगाना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, अब आपके मोबाइल फोन में जो होगा डेवलपर का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब डेवलपर के ऑप्शन से आपको कौन सी सेटिंग्स मिलने वाली है जिससे आपके फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो अभी आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो यहां से आपको फिर बैक हो जाना, तो जैसे ही आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आना आपको सिस्टम वाले आइकन पर क्लिक करना। तो जैसे ही सिस्टम वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, दूसरा आ रहा है गेस्टर्स का, तीसरा डेट एंड टाइम का, चौथा बैकअप का, पांचवा एडवांस। तो आपको एडवांस के आइकन पर क्लिक करना है। नीचे देखिए आपको जो सिस्टम अपडेट के साथ ही ऊपर कौन सा ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर आपको यहां से नहीं मिलता तो आप चाहे तो आप यहां से इजिली सेटिंग पर जाने के बाद आपको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर सर्च कर दूंगा DEVELO डेवलपर, ये देखिए आपके सामने नीचे डेवलपर ऑप्शन आ गया, तो आप डेवलपर ऑप्शन पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको बिल्ट नंबर पर जाना है, 7 बार टैप करना है। जब भी आप 7 बार टैप करेंगे तब आपका जो ये डेवलपर ऑप्शन एनेबल होगा, उसके बाद आपको इसमें सेटिंग वो वाली करनी है। आप कौन सी सेटिंग करनी है? तो दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है आपको डीबगिंग का, डीबगिंग के साथ ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते आपको नीचे आना है, नीचे आते आते यहाँ पर आपको दिखेगा नेटवर्किंग का ऑप्शन, तो नेटवर्किंग के भी साथ आपको नीचे आना है, नीचे आते आते यहाँ पर आपको नीचे आना है नेटवर्किंग के ऑप्शन। इसके बाद आता है इनपुट का, इनपुट के भी नीचे आ जाना आपको। तो जैसे ही आप इनपुट के नीचे आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ड्राइंग का ऑप्शन देता है, तो ड्राइंग के ऑप्शन के ऊपर पहला ऑप्शन था शो सर्फेस अपडेट, इसको भी आपने क्वेश्चन, नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो दोस्तों, आपको इन 3 ऑप्शन में ही आपको सेटिंग को कुछ चेंज करनी होगी, जिसकी वजह से आपके फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है 50% यहां से सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों, आपको विंडो एनिमेशन स्केल के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इसको यहां पर कर देना है 0.5x कर देना है, 0.5x, यानी कि दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो वैसे ही दूसरे में आएंगे, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल पर भी आपको क्लिक करना है, तो यहां पर भी आपको 0.5x पर कर देना है, दूसरा ऑप्शन करना है। अब आएगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, तो आपको एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर भी आपको जाना है, सेकंड ऑप्शन एनिमेशन स्केल 0.5x रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन भी 1 या 2 GB रैम है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इन विंडो एनिमेशन स्केल, इन तीनों को आपको एनिमेशन यहां पर ऑफ कर देना है। तो मेरे फोन की जो रैम है 2-3 ही है, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन की 1 या 2 GB है तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है, ऑफ ही कर देना है। विंडो एनिमेशन स्केल को भी ऑफ करना है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी ऑफ करना है, और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी ऑफ कर देना है। अगर आपकी 1 या 2 GB रैम नहीं है तो दोस्तों आपको 0.5x पर रखना है, तो इससे आपका मोबाइल फोन हैंगिंग प्रॉब्लम 50% सॉल्व होने वाले। तो दोस्तों, अब बाकी की 50% प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी फोन हैंगिंग की प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होने वाले। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो मोबाइल यूजर्स
एंड्रॉइड यूजर्स वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन में डिफरेंट गेम्स लगा लेते हैं, यानी कि डाउनलोड करके रखते हैं, जब भी वो कभी खेलते भी नहीं है लेकिन उनके मोबाइल फोन में ऑलरेडी वो गेम होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आपको अपने मोबाइल फोन में अननेसेसरी ऐप कभी नहीं रखने, यानी कि जिनका आप यूज नहीं करते उन ऐप को आपने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके नहीं रखना, क्योंकि आप देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है आपके बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, जब आपके बैकग्राउंड में रन चलती है तो इससे आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, जिससे आपका फोन जो है मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करना पड़ता, जिससे आपके रिजल्ट यही मिलता है कि आपका फोन हैंग होता है। इसलिए आपको सबसे पहली बात का क्या ध्यान रखना है, आपको अपने मोबाइल फोन में जो अननेसेसरी ऐप को इंस्टॉल करके नहीं रखना, यानी कि आपका मतलब फालतू के एप्लीकेशन को डिलीट करता जाना है, आपको अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल क्लियर रखना है। और सेकंड चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि मान के चले कि अगर आपके फोन में 32 GB है तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम जो है 5 GB जो आपको अपने मोबाइल फोन में फ्री रखनी, यानी कि आपको वैकेंट रखनी, यानी कि आपको जो भी आपकी जो डिलीट फाइल्स होती है, कोई वीडियो HD क्वालिटी होती है जिनको आप देखते नहीं, कोई मूवीज आप फालतू के डाउनलोड करके रखते हैं, उनको आपने क्लीन करते जाना है। जैसे ही आप क्लीन करेंगे तो आपको हफ्ते या दो हफ्ते के बाद आपको अपने मोबाइल फोन को रिस्टोर मारना होगा। जैसे ही आप रिस्टोर मारते रहेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन में ज्यादा या MB नहीं गंद नहीं रखेंगे, ज्यादा एप्लीकेशन की गंद रखेंगे, तो दोस्तों इससे आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा। जब आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा तो आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर है जो इजिली काम करेगा, इजिली वर्क करेगा, तो आपका मोबाइल फोन इजिली चलेगा, जिससे आपके मोबाइल फोन में हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो दो तरीके मैंने आपको बताया, पहला तरीका मैंने आपको जो सेटिंग्स की बताई, अगर आपने इनको पॉइंट एक्स पर रखा, विंडो एनिमेशन स्केल ड्यूरेशन और एनिमेटर को आपने पॉइंट एक्स पर रखना है। अगर आपके मोबाइल फोन की 1 या 2 GB रैम है तो आपको उसको ऑफ ही कर देना है। अगर आपके मोबाइल फोन में 1 या 2 से ऊपर आपके रैम है तो आप उनको 0.5x पर रख सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन की 50% प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन में जो फालतू के एप्लीकेशन है इनको आपने डिलीट करता जाना है, जिससे आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा और आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन नहीं करेगी, तो आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर जो है इजिली वर्क करके और आपको अपने मोबाइल फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम जिंदगी में देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।